अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, हमने पिछली वीडियो में देखा कि अतला की तारीख और मौजूदा दौर को किस तरीके से एक दूसरे से जोड़ा गया है। अजीज तलबा, विरसों को दो अहम किस्मों में तकसीम किया गया है, कुदरती और सकाफती। सकाफती विरसा ऐसी अशिया, ऐसी चीजें या ऐसी बाकियात जिसे हमारे आबा अजदाद ने बनाया है, जो उनके जरिए बनाई गई, इसे हम सकाफती विरसे में शामिल करते हैं या इनका शुमार सकाफती विरसे में किया जाता है। दूसरा है कुदरती विरसा। अजीज तलबा, कुदरती विरसा यानी क्या? जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो कुछ भी हमारे एतराफ में, हमारे मुल्क में, दुनिया में जो भी ऐसे कुदरती मनाजिर है, कुदरती जगहें हैं, पहाड़ है, जंगलात है, जानवर है ना, जो कि इंसान नहीं बना सकता, वो अल्लाह की तौर कुदरती तौर पर हमारे मौजूद है। तो इसका बहुत तरीके से मतलब इसका पामाल हो रहा है, जो कि जंगलात की कटाई हो रही, जानवरों को शिकार किया जा रहा है, इसके लिए इनका तहफ्फुज़ भी जरूरी है। तो इन जंगलात को, इन जानवरों को और इन कुदरती मनाजिर को कुदरती विरसे में शामिल किया गया है। सकाफती विरसे के दो मजीद किस्में हैं, मरई सकाफती विरसा और गैर मरई सकाफती विरसा, जिसमें हम पहला देखेंगे मरई सकाफती विरसा। अजीज तलबा, ऐसे विरसे जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसे विरसों को मरई सकाफती विरसा कहा जाता है, जिसमें कदीम मकामात, इमारतें, अशिया, कलमी तहरीरें, वो मुजस्मे और तसाबिर को शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे गैर मरई सकाफती विरसा। अजीज तलबा, गैर मरई सकाफती विरसा यानी ऐसे विरसे या ऐसी बाकियात जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते या जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते, गैर मरई सकाफती विरसा कहा जाता है। बेसिकली ये जो होती है हमारी रिवायात होती है, या हमारे तौर तरीके होते हैं, या हमारी जो तहजीब है, जिसे हम मतलब लिख कर बता, मतलब बस हम लोग उसको हमारी हरकतों की वजह से या हमारे तौर तरीके से जाहिर होती है, इन्हें गैर मरई सकाफती विरसा कहते हैं, जिसमें जबानी रिवायात और इसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली जबान, रवायती उलूम, त्यौहार जश्न मनाने के सामाजिक तौर तरीके और मजहबी रसूमात, फनून की पेशकश का तरीका, मखसूस रिवायती महारतें, इस किस्म की रिवायात, तौर तरीकों, महारतों वगैरह की नुमाइंदगी करने वाले ग्रोह यानी लोग को शामिल किया गया है। अजीज तलबा, अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इन तमाम विरसों की हिफाजत के लिए और इनको हिफाजत करने वाले जो अदारा है उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे।